जीवन में एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि जो लोग आपको रेस में दौड़कर नहीं हरा सकते, अक्सर वो लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते। नमस्कार, अपनी बोली अपना चैनल सुरेश कुलदीप में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। दर्शकों, एक बार की बात है कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट कर लाता था और इसी दौरान उसकी दोस्ती जंगल के जंगली जानवरों से हो जाती है और उसका सबसे प्रिय मित्र बन जाता है जंगल का राजा शेर। उनकी दोनों की गहरी दोस्ती थी। एक दिन उसके ध्यान में बात आई कि क्यों न मेरे सबसे प्रिय मित्र की दावत की जाए, इसको घर बुलाकर इसका मान सम्मान किया जाए। घर जाकर वो अपनी पत्नी को बताता है कि कल जंगल से मेरे कुछ दोस्त आएंगे, उनका भोजन का और उनके मान सम्मान का अच्छे से अच्छा प्रबंध किया जाए। पत्नी उनके मान सम्मान के लिए और भोजन के लिए पूरी तैयारी करती है और उसी वक्त शेर और वो लकड़हारा दोनों ही घर में पहुंच जाते हैं। शेर को दरवाजे पर देखते ही लकड़हारे की पत्नी तपाक से बोल देती है कि क्या यही जंगली जानवर आपके दोस्त हैं? क्या यही वो बहसी दरिंदे हैं आपके दोस्त? ये कैसे दोस्त हैं आपके? क्या मान सम्मान करें हम इनका? ये बात शेर ने भी सुनी और लकड़हारे ने भी सुनी और दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उल्टे पांव दोनों ही जंगल में वापिस चले गए। पूरा दिन मायूस बैठे रहे, बातचीत करते रहे। उसी वक्त शेर लकड़हारे से बोलता है कि ये जो कुल्हाड़ी आपके हाथ में है, ये मेरी पीठ के ऊपर इसका वार कीजिए। लकड़हारा मना कर देता है, लेकिन शेर उसको वार्निंग देता है कि अगर आपने इस कुल्हाड़ी से मेरी पीठ पर वार नहीं किया तो मैं आपको खत्म कर दूंगा। डर के मारे लकड़हारे ने उस शेर की पीठ पर अपनी कुल्हाड़ी से वार कर दिया और वार करने के बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते चले गए। काफी समय बीत चुका था और काफी समय बाद फिर एक बार दोनों की आपस में आमने सामने भेंट होती है और जब भेंट होती है तो शेर उस लकड़हारे से पूछता है कि जो कुल्हाड़ी से आपने मेरी पीठ के ऊपर वार किया था, जरा उसको देख कर बताओ कि अब वो घाव कैसा है। लकड़हारे ने उसकी पीठ पर जब घाव देखा तो उस वक्त वो घाव भर चुका था और कोई किसी प्रकार का भी घाव उसकी पीठ पर नहीं था। तभी शेर ने लकड़हारे को बताया कि ये देखिए, कुल्हाड़ी से किया गया वार भर चुका है, लेकिन जो आपकी पत्नी के द्वारा मुझे शब्द बोले गए थे वो अभी भी मेरे दिल में खटकते हैं, मेरे दिमाग में खटकते हैं। दर्शकों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कुल्हाड़ी से किया गया घाव भर जाता है, लेकिन वाणी के द्वारा जो घाव हम करते हैं वो कभी नहीं भरता। दर्शकों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब भी बोलें पहले तोलें फिर बोलें, क्योंकि कुल्हाड़ी के घाव भर जाते हैं लेकिन वाणी के द्वारा किए हुए घाव कभी नहीं भरते। जीवन में एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि जो लोग आपको रेस में दौड़कर नहीं हरा सकते, अक्सर वो लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते। जल्द ही मिलते हैं किसी दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश फौजी। जय हिंद, जय भारत।